नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में स्कूल खोलने और छठ पूजा पर 27 अक्टूबर को होगा फैसला। सीएम और एलजी की मौजूदगी में होगी डीडीएमए की बैठक। आम आदमी पर महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दामों में फिर 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। कई राज्यों में 110 रुपए तक पहुंची पेट्रोल की कीमत। दिल्ली पुलिस में अब महिला पुलिस का होगा दबदबा। महिलाओं की सुरक्षा में तैनात होगा विशेष स्क्वाड, पिंक पुलिस के नाम से जाना जाएगा। न्यूड वीडियो कॉल करके फंसाती थी, फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खेल। पति पत्नी समेत 5 लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में सामने आई महिला की बहादुरी। बाइक से गिरने के बावजूद मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाशों को दौड़कर पकड़ा, पीट पीट कर पहुंचाया थाने। राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को सार्वजनिक स्थानों पर मनाने और कक्षा 9 से नीचे के स्कूलों को खोलने को लेकर 27 अक्टूबर को डीडीएमए की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में एलजी, मुख्यमंत्री और विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में छठ के सार्वजनिक आयोजन और 9वीं कक्षा के नीचे के स्कूल खोलने पर फैसला लेने के लिए 27 अक्टूबर को दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग यानी डीडीएमए की बैठक बुलाई गई है। बैठक में एलजी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। बैठक में कोविड के मौजूदा हालात के अलावा त्योहारों पर कोविड संक्रमण को रोकने के लिए किए गए उपायों, टीकाकरण अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री छठ को लेकर पहले ही एलजी को पत्र लिख चुके हैं और इस पर डीडीएमए की बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं। पूर्वांचल के लोग सरकार से इस पर्व को मनाने की छूट मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आगे दिवाली के बाद स्कूल खुलेंगे कि नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। अभी तक दिल्ली में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुले हुए हैं। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिलहाल नियंत्रण में है। दिल्ली में रोजाना कोविड जांच में कुल 0.05% के आसपास ही संक्रमित लोग मिल रहे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी 500 से कम है। यही वजह है कि निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए आरक्षित 30% बेड में छूट देते हुए अब 10% तय कर दिया है। ऐसे में लग रहा है कि सरकार अब कुछ और पाबंदियों में राहत दे सकती है, जिसमें मेट्रो स्टेशनों के सभी गेट खोलने का मामला भी शामिल है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत 107 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है, वहीं डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है। आम आदमी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार महंगाई की मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही है और एक बार फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। आज लगातार चौथा दिन है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें 35 पैसे बढ़ गई हैं। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 107.24 रुपए हो गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 95.97 रुपए प्रति लीटर हो गई। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, पटना में पेट्रोल की कीमतें 100 को पार कर गई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस महानगर में पेट्रोल और डीजल के क्या भाव हैं। मुंबई में पेट्रोल 113.12 रुपए तो डीजल 104 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 107.78 रुपए प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 99.08 रुपए है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.22 रुपए प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 100.25 रुपए है। नोएडा में पेट्रोल 104.42 रुपए तो डीजल 96.62 रुपए। बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 110.98 रुपए प्रति लीटर है तो डीजल की कीमत 101.86 रुपए प्रति लीटर। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 111.55 रुपए है तो डीजल की कीमत 104.70 रुपए।
पटना में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल 102 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर है। जयपुर में 114 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल है तो डीजल की कीमत 105 रुपए 71 पैसे है। लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 20 पैसे है तो डीजल की कीमत 96 रुपए 42 पैसे है। गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 84 पैसे है तो डीजल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे है। चंडीगढ़ में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर है तो डीजल की कीमत 95 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर हो गई है। बता दें कि 28 सितंबर से अब तक पेट्रोल की कीमतों में 19 बार इजाफा हुआ है, जिस वजह से पेट्रोल 5 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं 24 सितंबर से आज तक डीजल 7 रुपए महंगा हो गया। इस दौरान डीजल की कीमतों में 22 बार इजाफा किया गया है। फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत कमी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तेल की आपूर्ति और मांग के मुद्दे पर केंद्र सरकार कई तेल निर्यातक देशों के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी तेल की कीमतों में कोई राहत की संभावना नहीं दिखाई दे रही। बता दें 4 मई से 17 जुलाई के बीच पेट्रोल 11 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल 9 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक विशेष कदम उठाया है। इसके तहत पिंक बूथ लॉन्च किया गया है। इस पिंक बूथ पर जो महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी उनको पिंक पुलिस भी कहा जाएगा। राजधानी दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को आगे लाया जा रहा है। सेंट्रल दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की महिलाओं के लिए पिंक बूथ लॉन्च किया है, जो सिर्फ महिलाओं की शिकायतों के लिए बनाया गया है। इस बूथ में एक सब इंस्पेक्टर समेत 4 महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। डीसीपी सेंट्रल की माने तो इस बूथ को बनाने का मकसद ये था कि दिल्ली की महिलाएं बिना डर के अपनी बात बता सके। सेंट्रल दिल्ली में पिंक बूथों को महिला पुलिस का परशक्ति भी दल संभालेगा। इस पिंक पुलिस में महिलाओं को वीरा स्क्वाड नाम दिया गया है। हर थाना एरिया के अलग अलग कोनों पर ये पिंक पुलिस बूथ होगा। ये पिंक बूथ बनाया है जिसको कि महिलाएं ही चलाएंगी और ये महिलाओं को ही समर्थित है। तो इसमें हम ये हमारा जो विजन है वो ये है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है जो पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती है तो वो यहाँ आके अपनी कंप्लेन दे सकती है, और जो इस एरिया की कंप्लेनेंट है वो तो बेझिझक होकर तुरंत आ ही सकती है। तो यहाँ पे हमेशा पुलिसकर्मी आपको महिलाएं जो पुलिसकर्मी हमेशा मौजूद मिलेंगी और आपकी समस्या का निवारण करेंगी। आपको अगर कोई कानूनी सलाह चाहिए तो वो भी आपको देंगी। उसके अलावा कॉल्स को भी अटेंड करेंगी। अगर यहाँ आसपास कोई क्राइम होता है तो उसकी सूचना मिलने पर ये लोग तुरंत उसको अटेंड भी करेंगे, और उसको अगर कोई बदमाश है तो उसको पकड़ेंगे भी। और उस तरह की उसका 2 मोटरसाइकिल्स इसमें ली हैं, 1 PCR वैन को भी महिला PCR करके उसमें इंक्लूड किया गया। ये हमारा वीरा स्क्वाड रहेगा। ये बहुत ही बहादुर लड़कियाँ हैं और मोटरसाइकिल पे और सब पे और तेज भी कर सकती हैं। उन्होंने खुद ये मतलब इनकी इच्छा थी कि मैम हमें ऐसा मौका दिया जाए, तो वो हमने एक फोर्स अपनी खड़ी की है जो कि मेन काउंटर पार्ट्स की तरह ही पेट्रोलिंग करेंगी और जो क्राइम प्रोन एरियाज है वहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगी। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया कि इस महिला पुलिस के दल को वीरा नाम दिया गया है। इस दल में 6 स्कूटी चालक पुलिसकर्मी शामिल हैं और 1 स्पोर्टिंग महिला PCR भी निरंतर काम करेगी। अभी तक दिल्ली में पहली बार पिंक बूथ महिला पुलिस को समर्पित किया गया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आनंद कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसमें कुछ लड़कियां भी शामिल थीं। यह लड़कियां लोगों को वीडियो कॉल करके उस पर अश्लील बातें करती थीं, न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थीं, बाद में ब्लैकमेल करके पैसे मांगती थीं। पुलिस ने इस गिरोह में शामिल पति पत्नी को भी गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को उनकी न्यूड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया करते थे। ये ग्रुप काफी समय से इस काम में लगा हुआ था। गाजियाबाद पुलिस ने राजकोट में रहने वाले तुषार नाम के एक व्यक्ति की शिकायत पर इस गिरोह का पर्दाफाश किया है।
तुषार ने राजकोट में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उससे ब्लैकमेलिंग के नाम पर 80 लाख रुपए ऐंठ लिए गए हैं। गाजियाबाद पुलिस और साइबर टीम ने इस गिरोह के सरगना योगेश गौतम और उसकी पत्नी को राजनगर एक्सटेंशन से गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों पति पत्नी मिलकर दूसरे राज्यों के लोगों को अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। पुलिस का मानना है कि ये गैंग सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली कर चुके हैं। गाजियाबाद एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि इस गैंग के मुखिया की पत्नी कुछ साल पहले एक ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले व्यक्ति के संपर्क में आई थी, जहां से उसे इस तरह ब्लैकमेलिंग करने का आइडिया मिला। ये राजकोट गुजरात पुलिस के द्वारा हमको ये सूचना मिली कि उनके तुषार नामक एक व्यक्ति से कुछ लोगों ने उनको सेक्सटॉर्शन करके लगभग 80 लाख रुपए की ठगी करी है। सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने अपनी टीमें बना दी, जिसमें साइबर सेल और नंदग्राम थाने की फोर्स थी। इसी सूचना के फलस्वरूप हम लोगों ने एक सेक्स रैकेट पकड़ा है, जो कि लोगों से स्ट्रिप चैट नामक एक वेबसाइट पे जो रजिस्टर करते थे उनसे पहले स्ट्रिप चैट पे बात करते थे, इसके एवज में उन्हें स्ट्रिप चैट से कुछ पैसे मिला करते थे। उसके बाद जब इनको लगता था कि ये मुनाफा ये बढ़ा लें, तो जो लड़कियां इनके यहाँ काम करती थी वो लोग अपना पर्सनल व्हाट्सएप का नंबर शेयर कर दिया करती थी इनको, और उसके बाद व्हाट्सएप पे चैट करने के बहाने उनको उनकी न्यूड वीडियो बना लिया करती थी, और उसके बाद उनको सेक्सटॉर्शन करके उनसे पैसे की उगाही करा करती थी। कितने लोगों को सर ये अब तक अपना निशाना बना चुके हैं, कितने केसेस का खुलासा हुआ है, इनके अकाउंट से कितना पैसा बरामद हुआ है? देखिए, ये कृत योगेश गौतम नामक व्यक्ति एवं उनकी वाइफ सपना गौतम, ये गैंग की सरगना थी। इनके साथ तीन लड़कियां और गिरफ्तार हुई हैं। ये लोग 2 साल से काम कर रहे थे। इन लोगों ने कई सौ लोगों को इसका शिकार बनाया है, और मौके से इनके पास से 8 बैंक अकाउंट हमको मिले हैं, जिसमें कि 4 बैंक अकाउंट की सूचना हमारे पास आ गई है। बाकी 4 अकाउंट की जो सूचना हमको आई है उसमें लगभग 3.80 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था। सभी अकाउंट पुलिस ने फ्रीज करा दिए हैं, और बाकी अकाउंट्स की डिटेल हम जल्दी पता करके आगे कार्रवाई करेंगे। बता दें कि इस गैंग से कई पॉर्न वीडियो, आपत्तिजनक सामग्री, लैपटॉप, मोबाइल, अश्लील सीडी, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, सेक्स टॉयज, महिलाओं के अलग अलग तरह के अंडरगारमेंट्स, 8,000 कैश और चांदी की ज्वेलरी के साथ कुल 8 खातों की जानकारी पुलिस को मिली है। ये गिरोह नासिक, दिल्ली NCR में सक्रिय था। पुलिस ने अब इनको गिरफ्तार करके इनके 8 अकाउंट को खंगालना शुरू कर दिया है, जिसमें से 4 अकाउंट में लगभग 4 करोड़ की रकम का लेन देन मिला है। पुलिस ने इन अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि जिनकी शिकायत हमारे पास आई है, उनकी शिकायत के अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे, और जिन लोगों ने शर्म की वजह से शिकायत दर्ज नहीं करवाई है, उनसे कहेंगे कि वो शिकायत दर्ज करवाएं, जिससे उनकी ठगी की रकम वापस मिल सके। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। अब बात करते हैं गाजियाबाद की एक बहादुर महिला की। जी हां, इस महिला से कुछ बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया था, लेकिन महिला ने बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ा और पीट पीट कर थाने पहुंचाया। देखिए पूरी रिपोर्ट। गाजियाबाद में रहने वाली प्रीति सिंह नाम की इस महिला की बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं, जिसने बाइक से गिरकर घायल होने के बावजूद मोबाइल छीनकर भाग रहे 2 बाइक सवार बदमाशों को धर दबोचा। दोनों बदमाशों ने बाइक से जा रही महिला से मोबाइल छीन लिया था। अपने साथ लूट के दौरान महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके उसने बहादुरी दिखाते हुए दोनों बदमाशों के पीछे दौड़ लगा दी और बाइक से गिराकर धर दबोचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पुलिस थाने तक ले पहुंची। क्या हुआ था? मैं बाइक के पीछे आ रही थी, दो लड़के पीछे से आए, उन्होंने मेरे हाथ से फोन छीना, मैंने फोन नहीं छोड़ा, तो मैं बाइक के साथ नीचे गिर गई, और ये दोनों लड़के भी गिर गए, और फिर उन्होंने मेरा फोन छीन के फेंक दिया घास में। फोन तो मिल गया मेरे, लेकिन चोट लग गई है काफी। अच्छा, आपके साथ कौन थे? मेरा बेटा था, मेरा देवर था। तो उनके साथ फिर वो दोनों चोर कहाँ हैं? वो पकड़े गए हैं। किसने पकड़ा? वो हम लोगों ने ही पकड़ लिए थे। अच्छा। हाँ, पब्लिक आ गई थी, पब्लिक ने पकड़ ली, उसके बाद पुलिस आई तो उन्हें यहाँ पे ले आए। घटना गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के पास की है। वहीं जिस तरह से महिला ने घायल होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और बाइक सवार बदमाशों को धर दबोचा
उसके खूब चर्चे हो रहे हैं। वहीं सूचना पर कौसाम्बी पुलिस भी मौके पर पहुंची, हालांकि इससे पहले ही महिला और मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों चोरों की जमकर पिटाई की। ये हमारा जो गोलचक्कर हिंडन एयरपोर्ट का है, इससे 300 मीटर पहले जो पूरा रोड खाली रहता है, 1.5 किलोमीटर का एरिया, हम इधर से पीछे से आ रहे थे लोनी की तरफ से। इन्होंने पीछे से मोबाइल छीनने की कोशिश की, उसमें मेरी भाभी पीछे चैन स्नेचर के जो हाथ के चक्कर में वो पीछे गिर गई, फिर हमने उन्हें दौड़ के पकड़ा। उसके बाद हमारा मोबाइल थोड़ी देर बाद मिला, और जैसे भी है कि लोग अपने इसको सेफ्टी से देख सकते हैं कि जब भी इधर से आएँ तो संभल के आएँ, क्योंकि यहाँ पे चोरी की वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पुलिस का कोई खौफ नहीं है ना शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुलिस वालों को कोई वो नहीं है। किस टाइम हुआ था ये? ये अभी शाम को 4 बजे के आसपास, क्योंकि उस समय वहाँ पर पूरा रोड खाली होता है। आपको डर नहीं लगा उन चोरों से जूझते हुए? डरने वाली क्या बात है इसमें, हम उन पर कुछ भी हो जाए जान तो बचाएंगे ही, जान बचाने के लिए हर किसी को कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। दोनों आरोपी दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। बदमाशों से पुलिस अब आगे की पूछताछ कर रही है, ताकि इनके बाकी साथियों का पता लगाया जा सके, जो इनकी ही तरह स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करते हैं। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।